फाइनली गाइस लाइफ इन टेक के ऊपर एक और स्मार्टफोन आ चुका है. सो दिस इज द इनफिनिक्स नोट 40. एंड इसको गाइस मैंने काफी ज्यादा अपना यू नो ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद लिया, क्योंकि ऐसी डील इन लोगों ने अरेंज कर दी है इनफिनिक्स ने कि काइंड ऑफ मेरे से रहा नहीं गया. 20,000 का फोन है और मुझे 17,000 के अराउंड पड़ा है विद द वायरलेस चार्जर जो कि इसके यहीं पर दे रखा है. How cool is that, man? So, इसके अंदर एक 33 वॉट्स का चार्जर तो आता ही है, प्लस साथ में एक वायरलेस चार्जर भी आता है जो कि 15 वॉट्स तक सपोर्ट करता है. एंड ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है, तो वहां पे एक ओपन बॉक्स डिलीवरी का सिनेरियो है. एंड स्मार्टफोन के केस में थोड़ा ज्यादा बुरा है कि वो पूरा बॉक्स तो खोलते ही है, स्मार्टफोन को ऑन भी करेंगे, उसका सारा सेटअप भी सारा स्किप कर देंगे, जिससे कि हमें ना न्यू फोन वाली जो फीलिंग आनी चाहिए ना वो आती नहीं है. एंड उसके बाद वो कैमरा चला के उसकी फोटो खींचते हैं, जिससे कि उनका जो भी प्रोसेस है वो ऐसा रहता है. सो वो वाला मैंने एक्चुअली रॉ फ्लिपकार्ट की अनबॉक्सिंग आपके साथ शेयर कर दी है. अभी मैं आपके साथ एक डिटेल्ड में अनबॉक्सिंग शेयर कर रहा हूँ एंड बॉक्स ऑलरेडी ओपन है. सो सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि मैं उससे अभी कुछ कर नहीं सकता क्योंकि ब्रांड्स अभी मुझे डायरेक्ट कुछ भी नहीं भेजते, क्योंकि चैनल ही दे भी क्या थिंक के साइज का है. क्योंकि आप लोग वीडियोस तो देखते हो, वीडियोस पे प्यार तो आता है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते. ऐसा क्यों भाई, क्या क्या नाराजगी क्या, मेरी शक्ल पसंद नहीं आ रही, इसमें कुछ चेंजेस करूँ बताओ, बाल कटवा दूँ, अपने गंजा हो जाऊँ, या क्या करूँ मैं ऐसा जिससे कि आपको मेरी शक्ल पसंद आए और आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो. राइट, तो एक काम करते हैं, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस पर्टिकुलर फोन के बॉक्स को लेके चलते हैं अनबॉक्सिंग टेबल पे. एंड कंटेंट्स आपको मैं जरा क्लैरिटी में दिखा देता हूं एंड फिर इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे. बट इसके ऊपर बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, आपको कुछ जानना भी होगा तो वो भी आप बता देना, मैं शॉर्ट्स के थ्रू बहुत सारी चीजें करने वाला हूं इस बारे. सो व्हाट आर वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑलराइट, सो ये है गाइस अपना Infinix Note 40 का बॉक्स. दिस इज द ओनली मॉडल इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर. 256 GB और 8 GB रैम है इसके अंदर, और जो 8 GB आप एडिशनल कर सकते हो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है. एंड इट्स काइंड ऑफ अ गेमिंग फॉर मी, एक दो बार ट्राई किया है, कुछ फर्क नहीं पड़ता. सो 8 GB रैम इज एक्चुअली प्रीटी सफिशिएंट एंड 256 GB स्टोरेज इज अमेजिंग. NFC भी है इसके अंदर और JBL के साथ स्पीकर्स हैं इसके, तो और क्या चाहिए यार. Dimensity 720 इसका प्रोसेसर है, सो दैट इज अमेजिंग. सो ऑलराइट, इसको अनबॉक्स कर लेते हैं. अनबॉक्सिंग के लिए इसके अंदर एडिशनल बॉक्स है एक्चुअली. फोन का बॉक्स ये है, देन ये एक ऊपर कवर है, देन दिस इज द मैक पैड राइट देयर. हो सबसे पहले मैक पैड अभी तक ओपन नहीं किया है मैंने, फोन तो खैर अपने फ्लिपकार्ट वाले भैया ने कर दिया था. ये अभी भी यहाँ पे सील्ड है इधर भी और इधर भी, सो सील को जरा हाथ से ही ओपन करते हैं. देयर वी गो. एंड मुझे देखना है कि मैक पैड एक्चुअल में है तो है कैसा. ओ वाओ, दिस लुक्स कूल मैन. इसके साथ कोई केबल नहीं आता, there is no cable in the box. So this is the Mac Pad right there. Infinix का लोगो है यहाँ पर. It looks cool. यहाँ पे Type-C का केबल लगेगा, but केबल साथ में देना चाहिए था, क्योंकि केबल नहीं है इस पर्टिकुलर बॉक्स में, आप नोटिस करो. Alright, so कोई बात नहीं, चलो. केबल्स aren't expensive, but the charger is actually expensive. So this is the box and यहाँ पे आप इसकी चिपसेट की डिटेल्स अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो. 15 वॉट का वायरलेस मैक चार्ज, 108 मेगापिक्सल का इसका ट्रिपल कैमरा सिस्टम है, साउंड बाय JBL, ड्यूल स्पीकर्स, क्लीन एंड प्योर OS, एंड्रॉइड 14, XOS 14, देन देयर इज 6.78 इंच FHD प्लस AMOLED डिस्प्ले व्हिच इज अमेजिंग, एंड एक्टिव हेलो लाइटिंग का इसमें फीचर है. देन इसमें Infinix Cheetah X1 चिप भी है, डेडिकेटेड पावर मैनेजमेंट चिप व्हिच इज अनदर प्रीटी गुड थिंग. एंड बाकी बॉक्स आप नोटिस कर रहे हो, वारंटी ओनली इन इंडिया, मेड इन इंडिया. इसका MRP अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो दैट इज द 24999 विच इज अ लॉट. एंड ये मुझे 17,000 समथिंग का मिला है विच इज अमेजिंग एक्चुअली फॉर द स्टफ इट इज ऑफरिंग लाइक मैक चार्ज. एंड इसके अंदर सब कुछ है, मतलब यू डोंट हैव टू बाय एनीथिंग. मैक पैड से कंपैटिबल जो केस है वो भी आपको अवेलेबल मिलेगा, फोन तो मिल ही रहा है. एंड दिस इज द फोन, तो निकालते हैं बाहर प्लास्टिक. एंड दिस इज द फोन गाइस. सबसे पहले मैंने आपको फोन ही दिखाना समझा क्योंकि इट लुक्स अमेजिंग. एंड ये इसका फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पे आ गया क्योंकि ऑलरेडी इट बीन टर्न ऑन वंस. यहाँ से इसका अगर और सामान आपको दिखाऊं, मेन आपको सामान दिखाना है, मेन जहाँ दूसरी कंपनी चार्जर वायर्स कुछ नहीं देने के लिए रेडी, यहाँ पे जो अपना Infinix है दैट इज गिविंग अस टू चार्जर्स. वन इज 33 वॉट्स एंड द अदर वन इज द वायरलेस वन विच इज द क्यूटेस्ट एंड स्मॉल, प्रीटी स्मॉल. चेक दिस आउट. धीरे चार्ज हो जाएगा लेकिन दिस इज कूल मैन. एंड वायर में अपनी टाइप सी केबल आती है, टाइप ए टू टाइप सी को भी हटाते हैं. एंड यहाँ पे और भी कई सारी चीजें इंटरेस्टिंग है, जैसे कि इसके अंदर आपका क्या है सामान. इसके अंदर है आपका जो स्क्रीन गार्ड लगाने का जो किट आता है, क्लीनिंग किट, डिस्प्ले क्लीनिंग किट जिसमें वो आती है. देन दिस इज द सिम इजेक्टेड टूल राइट देयर. देन यहाँ पे आपको दिखेंगे कुछ स्टिकर्स इनकेस यू वॉन्ट टू इंस्टॉल सम स्टिकर्स. देन यहाँ पे आपको मिलता है केस, मैक पैड कंपैटिबल केस
right there. You can charge your phone with this case. That is amazing, right? Then iske alawa you also got a tempered glass inside the box, man. Inside the box. Aapko matlab bahar se kuch lene ki need hi nahi hai. They are providing each and every single thing. Aapko sara ko sara cheeze main dikhata hu buri. तो ये सारी की सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर डिवाइस के साथ मिलती है. केस, टेम्पर ग्लास, चार्जर्स वो भी दो दो, स्टिकर्स, एप्लीकेटर किट, टाइप सी केबल. बॉक्स को साइड में रहने देते हैं एंड दैट इज द फोन राइट देयर. लुक्स वेरी गुड. इसके अंदर दो कलर्स अवेलेबल हैं. दैट इज दिस इज द गोल्डन वन जिसके अंदर ग्रेडियंट वाला गोल्डन है. एक चेंज होता रहता है कलर. आप देखो यहाँ तक अभी ग्रीन हो गया, अब यहाँ पे लंग होते हैं ऊपर का एरिया गोल्ड हो गया. सो दिस इज द ग्रेडियंट वाला ग्रीन. लुक्स वेरी डोप एंड द स्क्रीन साइज. एंड अगर ये फिंगरप्रिंट की बात करें तो इट इज प्रिटी डैम स्वीट मैन. एंड 6.78 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है व्हिच लुक्स गुड टू बी ऑनेस्ट. तो लेकिन इसके अंदर अभी सेटअप वगैरह करेंगे एंड इसके बाद इसको चला के देखेंगे कि कैसा है डिवाइस. अभी बेसिक चीज़ है. अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जैसे कि कैमरा लुक्स प्रिटी डोप राइट. एंड अगर अपनी शक्ल दिखाने की आपको कोशिश करूँ, दिस इज द फ्रंट कैमरा. थोड़ा नॉइजी नॉइजी डेफिनेटली है बट फॉर द प्राइस. इसका कैमरा रिव्यू करेंगे. फ्रंट का स्पेशल रहेगा एंड रियर का भी स्पेशल रहेगा. बाकी आप बताना इन द कमेंट सेक्शन कि आप और क्या देखना चाहते हो उस फोन से रिलेटेड, तो वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा. ऑलराइटी फोक्स, यही तो थी इस पर्टिकुलर डिवाइस की एक छोटी सी अनबॉक्सिंग. थोड़ी सी डिटेल लेवल पे बेटर देन द फ्लिपकार्ट गाय, बट हाँ इससे भी बेटर इनबॉक्सिंग करते हैं लोग. बट थोड़ी सी रॉ रखता हूँ मैं जानबूझ की चीज़ें, जैसे कि ना थोड़ी सी एक फीलिंग आए कि हाँ हम खुद घर पर बैठ के इसको अनबॉक्स कर रहे हैं, वो चीज़ है. सो नेक्स्ट अप गोना बी I think I will start the stuff with the cameras. बाकी आप बताना आपको इसका क्या परफॉर्मेंस देखना चाहते हो, क्योंकि ओवरऑल जो इसकी फीचर्स हैं मुझे तो एकदम बढ़िया लगे हैं. आपको हेलो लाइटिंग दिखाता हूँ यहाँ पर. इसकी बहुत ही सही, बहुत ही कूल लगता है लाइटिंग इफेक्ट्स. एंड दिस इज अ लाइवली प्रीव्यू ऑन द बैक. आप देख रहे हो है ना कूल. थोड़ा सा और क्लोजअप पे देखो. सो दिस इज द लाइवली एंड दिस इज द रिदमिक. शायद ही म्यूजिक पे चलता होगा बढ़िया. एंड दिस इज द AI. यहाँ पे कुछ AI लिखा हुआ है. सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है. देन आप इसके कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी है. सो दैट इज समथिंग कूल. एंड दैट इज द 120 हर्ट्ज डिस्प्ले व्हिच लुक्स एंड फील्स टॉप टू मी. सो काम करते हैं, इस वीडियो को यही एंड करते हैं, क्योंकि मैं अब रिसर्च करूंगा कि और आपके लिए स्पेशल चीज़ें क्या लेके आनी है इस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए. तो अंटिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन. एंड गाइस प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ पे इतनी आपके लिए प्रोडक्ट्स लेके आऊँ, इतने लेके आऊँ कि आप कहो यार ये बंदा पागल हो गया. प्रोडक्ट के बीच के अंदर ही मेरा लेटना पड़े, मतलब इतनी मेरे पर जगह नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्ट ज़्यादा होने चाहिए. समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे. एंड फिर गिव अवे इसकी भोचार. चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो. बाय, टेक केयर, सी यू, लॉट्स ऑफ फन, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू, बाय.